नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। कैसे करें खेतों की बुआई जब खेतों में बरसात व तरसोत का लगा हो लबालब पानी। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। आषाढ़ में की गई खेती से अनाज का एक दाना तक किसानों के घर नहीं पहुंचा। अब कार्तिक में की जाने वाली जोताई बुआई भी अधर में लटकी दिखाई दे रही है। खेतों में लबालब पानी लगे होने से किसान हाथ पर हाथ धरे अपनी किस्मत को कोसते हुए खेतों से पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र के सोनबरसा, इब्राहिमाबाद, कोटबान सिवन टोला, धतूरी टोला, गोलिया छपरा, मधुबनी, करमानपुर, श्रीनगर, दया छपरा, चौबे छपरा, छेड़ी, बकुलाहा, रिसाल टोला, जयप्रकाश नगर, मुरली छपरा सहित लगभग 2 दर्जन से भी अधिक गांवों के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। पानी निकासी के लिए कई बार किसानों ने धरना प्रदर्शन हुआ, तहसील प्रशासन को पत्रक भी सौंपा, परंतु मामला सिफर ही रहा। बेबस व लाचार किसान मरने के कगार पर पहुंचे हैं। आखिर करे तो क्या करे, कोई इसे भाग को कोस रहा है तो कोई इसे नियति मानकर इस आस में बैठा है कि जब खेतों से पानी सूख जाएगा तब तक कृषि कार्य को गति मिलेगा। न्यूज 9 भारत के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी। अच्छा, घर कहाँ है? लक्ष्मण छपरा। अच्छा, थाना? डोकी। जिला? बलिया। क्या आपका क्षेत्र का क्या समस्या है? यहाँ के किसान जो है पानी के चलते किसानों में त्राहि त्राहि मचा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में किसान की क्या स्थिति है? किसान की यही स्थिति है कि जो है खरीफ की फसल जो है पानी से बर्बाद हो गई, रबी की फसल की जोताई बुआई नहीं हो रही है। कितना आबादी में लमसम पानी अभी लगा होगा? कम से कम जो है 300-400 बीघा में जो है पानी लगा हुआ है। अच्छा, चार सौ एकड़ के लमसम में अभी पानी लगा हुआ है, जो कि किसान मर रही है। पानी निकलने का क्या व्यवस्था वहाँ नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आप लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया था? शासन और प्रशासन को कई बार सूचित किए किसानों ने। यहाँ जो है स्थानीय जो है नेताओं को भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न किसी प्रतिनिधि का दिखाई दिया? कोई प्रतिनिधि जो है दिखाई नहीं दिया। हाँ बाबा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरे राम यादव है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? लक्ष्मण छपरा। थाना डॉक्टी। जिला बलिया। अच्छा, क्या आप अभी रबी का बुआई वगैरह किए है? न, पानी में सब खेती पानी में है। आपका जितना खेत है वो पानी से डूब चुका है? पानी में डूबा हुआ है, इसके वजह से आपने अभी बोने का काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। हाँ बाबा, अपना नाम बताइए। राजकुमार तिवारी जी। ग्राम लक्ष्मण छपरा है जी। थाना डोकी है। अच्छा। जिला बलिया का निवासी हूँ जी। अभी तो बुआई का फसल चल रहा है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? पानी से जो है सारे खेत जो है डूबे हुए है। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोग खेत नहीं बोए हैं? अभी जोताई भी नहीं हुआ है, बोने का अभी जो है। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। अच्छा। मैं निवासी हूँ जी जी। और थाना बलिया है। अच्छा। डोकी जिला बलिया का हूँ, निवासी हूँ जी। यहाँ पर ऐसी बात है, क्या आप भी किसान हैं क्या? जी। अच्छा, तो ऐसी बात है कि जैसे आषाढ़ में पानी से सब फसल बर्बादी हुई, बोया ही नहीं, अभी भी है कि इनसे पानी का निकास का कोई व्यवस्था कोई प्रशासन नहीं कर रहा है। और देख रहे हैं लोग कि इनसे पानी से डूबा हुआ कैसे जुटा हुआ है, नवंबर महीना चालू हो गया है, तो इसमें ऐसे बहुत से गरीब आदमी हैं जो कि मजदूरी में मनगुजारी से कर खेत बोते हैं, तो उनका मनगुजारी भी गया और एक पैसा का उसका रिटर्न भी नहीं मिला है।